स्टूडेंट सैम, वेलकम बैक टू द एडु एक्सेल चैनल। दिस इज योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद अब्दुल अहद, एंड टुडे वी आर हियर विद अ वेरी स्पेशल लेक्चर, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जो 11th एंट्रेंस एएमयू हुआ था, लास्ट ईयर का जो पेपर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका बायोलॉजी का पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, कहां कहां से आए थे, कितना पोर्शन 9th से था, कितने क्वेश्चंस जो है वो 10th से थे, किस पर्टिकुलर किस किस टॉपिक्स से थे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है, उनके क्या ऑप्शन है, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, उनके ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वही ऑप्शन करेक्ट क्यों है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं एएमयू का, इसी तरीके से हम लोग जामिया का, बीएचयू का, और सबका इस तरीके से पेपर हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर अपने पेपर्स के पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये पेपर मेरे पास है जिसमें हम लोग बायोलॉजी का पार्ट मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ओके, तो जैसा कि आप देखिए कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, अब ये बात है कि भैया हार्ट होता है, ये वाला चैप्टर सबसे पहली बात कि ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर से है, किस तरीके से, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है ये बच्चों क्लास 10th का पोर्शन है, अंडरस्टैंड, क्लास 10th में जो है क्या है, क्लास 10th का है पोर्शन। ठीक है, क्लास 10th में आपके पास जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का ये चैप्टर है जिसमें हम लोगों ये चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस चीज को चैनल पे जाइए और वो वीडियो जो है आपको वहां पे मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो में जो है ये सारी चीजें जो है वो मौजूद है, अंडरस्टैंड, जिसको आपको पार्ट 3 और 4 में ये सारी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी पूरा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ये ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं अपने, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब ठीक है, अब ये बच्चे मान लीजिए आपका हार्ट है इस तरीके से, ये आपका सेप्टम हो गया, ये आपके वॉल्व्स हो गए। ठीक है, अब ये आपका जो होता है वो राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, जो बॉडी से ब्लड आता है वो कहां किस तरीके से आता है, राइट एट्रियम में आता है। ये बॉडी से ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा उसमें, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारा कहां से आता है, हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो आता है वो लंग्स से आएगा। ठीक है, लंग्स से जो है वो वेन्स लेकर के आते हैं, एक पर्टिकुलर वेन होती है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन हमारा लेकर के आती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम इज द करेक्ट आंसर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बाकी चारों की बात करें तो यहां से ये ब्लड कहां से आया, ये आया है आपका बॉडी से, ये ब्लड कहां से आया आपका लंग्स से आया है। तो जाहिर सी बात है लंग्स से जो ब्लड आ गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ, बॉडी में ऑक्सीजन यूटिलाइज होकर के राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से निकलता हुआ जो है वो लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। अब अगर ये पूछे कि कौन सी जो है पाइपलाइन लेकर के जा रही है उसको, किसको, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ये जो होती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजनेशन हुआ लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन लेकर के आई और यहां पे इस तरीके से यहां पर पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से जो है एक आर्टरी जो होती है एओर्टा, ये बॉडी में आपके पूरे ट्रांसफर कर देती है ब्लड को, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारी एक्सेप्शनल आर्टरीज हैं, नॉर्मल आर्टरीज और वेन्स हैं। नॉर्मल आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट प्रोवाइड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल द अदर वेन्स इन आवर बॉडी सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी। ठीक है ना, अब ये जो है ये भी हमारे 10th का है क्वेश्चन, पहला प्रोसेस, पहला चैप्टर, सॉरी वही लाइफ प्रोसेस जो है उसी से है,
लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रीशन, उसका ये पार्ट है बच्चों। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है लाइफ प्रोसेस के नाम से, पार्ट 5। ठीक है, ये वीडियो भी आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर वहां पर मौजूद है अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी इज कितना होता है बच्चे। पहले नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं, आखिर नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन को कहा जाता है बच्चे क्या है कि बिल्कुल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, हमारी किडनीज का। तो किडनी के अंदर क्या होता है बच्चे, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद होता है किडनीज के अंदर। समवॉट लाइक दिस वहां पे स्ट्रक्चर होता है किडनीज में हमारे, ये हमारा क्या कहलाता है बच्चे, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, इसमें से जो है वो अलग अलग तरीके की पाइपलाइन, आपको डिटेल में पढ़ना है वो सारी चीजें जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है ना, ये वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चे किसका, नेफ्रॉन का। इसमें ब्लड आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है और आगे के प्रोसेस के जरिए से जाकर के यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है, वहां पर यूरिन का फॉर्म होकर के स्टोर हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। किस तरीके से कैसे होता है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, दीज आर प्रेजेंट इन द किडनीज। और एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ह्यूमन किडनी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो क्या बात कर रहा है, द क्यूबॉइडल एपिथीलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ, किस चीज के बारे में पूछ रहा है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम, या क्यूबॉइडल एपिथीलियम से पहले एपिथीलियम की बात करते हैं। और उससे भी पहले क्या बात है कि ये क्लास 9 का चैप्टर है, टिश्यू, टिश्यू में भी एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू का पोर्शन है उसका जो ये टॉपिक है एपिथीलियल टिश्यू। ठीक है ना, एपिथीलियम टिश्यू क्या होता है, ये क्या होते हैं बच्चे, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारी जितनी भी बॉडी है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं सबके ऊपर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, किस चीज की, एपिथीलियम टिश्यू की। ठीक है, अब ये खास तौर से कौन सा पूछा, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। तो अलग अलग तरीके के ये एपिथीलियल टिश्यूज जो होते हैं, एपिथीलियम जो होती है ये अलग अलग होती है। जैसे पहला तो क्यूबॉइडल हमारे पास मौजूद ही है। ठीक है, क्यूबॉइडल के बारे में पूछा, हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड होती है, हमारे पास कॉलमनर होती है। ठीक है, तो ये सारे अलग 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 तरीके के जो है सीलिएटेड होती है, और भी स्क्वेमस है, और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्यूबॉइडल की बात करें बच्चे, तो किस तरीके से, तो क्यूबॉइडल क्यों, क्योंकि इसका इस तरीके का शेप होता है, क्यूबॉइड की तरह। ठीक है, समवॉट लाइक दिस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, ये हमारे जो है वो इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन सी, क्यूबॉइडल टिश्यू। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू जो होती है, ये लेयरिंग होती है हमारे कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें किस चीज की, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द क्यूबॉइडल एपिथीलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ, यानी किस चीज के बारे में पूछ रहा है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बारे में जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि भाई आखिर ये एपिथीलियम टिश्यू क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, सबसे पहली बात की 9th क्लास का है आपके, 9th क्लास में चैप्टर है आपका टिश्यू, टिश्यू में भी जो पार्ट है एनिमल टिश्यू का। ओके, सो दिस इज फ्रॉम एनिमल टिश्यू, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये एपिथीलियम टिश्यू क्या होता है बच्चे, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं सबके अंदर जो है वो इंटरनली जो है वो लाइनिंग होती है, किस चीज की, एपिथीलियम टिश्यू की। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सारी होती है, अंडरस्टैंड। अब एपिथीलियम कौन सी पूछ रहा है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है। ये एपिथीलियम जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, एपिथीलियम टिश्यू जो होता है हमारा, जैसे यहीं पर ये क्यूबॉइडल है, कॉलमनर होता है, सीलिएटेड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो है हमारे पास
आपके एपिथीलियम टिश्यू होते हैं। अब अगर हमसे जो पूछा गया है क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू के बारे में बच्चे, तो ये कैसे होती है? इस तरीके से क्यूबॉइड की तरह इसका शेप होता है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये कहां पर प्रेजेंट होती है बच्चे? ये हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बाकी और जो है जैसे ईसोफेगस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया और स्किन है, ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोगों के पास किस किस तरीके से कौन कौन सी ये ऑप्शंस क्यों गलत हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया इनके अंदर कौन कौन सी जो है वो एपिथीलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो स्किन जो होती है बच्चे हमारी, ठीक है, स्किन पे आप लोग देखें अगर, तो क्या होता है कि कभी कभार हल्की सी जब खरोश लगती है तो निशान पड़ गया लेकिन खून नहीं निकलता है, कटता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एपिथीलियल टिश्यू प्रेजेंट है वो किस तरीके से होती है, जैसे एक टिश्यू है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, पूरा लेयर बाय लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि स्ट्रेटा जिसको कहा जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है। तो हमारे स्किन में और इसोफेगस में दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है हमारी बच्चे? स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू एपिथीलियल टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन के अंदर जो है हमारी कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, आप लोगों को वीडियो अवेलेबल हो जाएगी क्लास नाइन्थ की, जब अभी क्लास नाइन्थ के दो चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं, आप लोग वीडियो आपके पास अभी मौजूद होगी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दूसरा जो है क्या है, सॉरी क्लास नाइन्थ का जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी अभी इसके ऊपर जो है वो वीडियो जो है वो आएगी, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों? द सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर, सेल ऑर्गेनल्स की बारे में हम लोग, ये क्या है, नाइन्थ का पोर्शन है, सबसे पहली बात, नाइन्थ का चैप्टर है, दैट इज सेल, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर सेल होता है, जितनी भी चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। ये बच्चे एक सेल है, ये बाहर की जो चीज वो होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, बीच में आपका जो है वो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये जो है इस तरीके से जेली लाइक सब्सटेंस इसमें पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अलग 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 ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर पड़ी होती हैं, जिसको हम लोगों ने नाइन्थ की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, तो जेनेटिक मटीरियल क्या होता है बेटा? डीएनए जिसका अपना हो, ठीक है, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके पास अपना डीएनए होगा? अगर अपना डीएनए है तो बहुत बड़ी बात होती है बच्चे, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी एपरेटस। तो बच्चे यहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स की बात होती है, ठीक है, प्लास्टिड्स मोस्टली ये जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो खाली डीएनए नहीं, इनके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं बच्चों, बहुत खास बात है ये, राइबोसोम्स भी इनके पास अपने होते हैं, इनका मतलब ये दोनों चीजें हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, खुद ही अपने प्रोटीन के सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस खुद ही कर लेते हैं ये, दैट इज वाई दीज टू ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, ठीक है, या फिर सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो हर चीज के लिए जो है वो न्यूक्लियस पे और उसपे सब तमाम चीजों पे जो है डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ये डीएनए और राइबोसोम्स इनके पास अपने होते हैं बच्चों, इस वजह से ये क्या कर लेते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इनको ये सारी चीजें जो है वो अपना फंक्शन जो है वो खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं और सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड, ठीक है। अब एंथर की वॉल पे पहुंचने से पहले हम लोग देखते हैं कि साहब ये एंथर क्या चीज है, ठीक है, तो ये किस चीज का पोर्शन है, ये क्लास टेंथ का पोर्शन है, क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें रिप्रोडक्शन में भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका ये पोर्शन है बच्चों, क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या खास बात होती है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, मेल पार्ट अलग होगा, फीमेल पार्ट अलग होगा, तो ये एंथर इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमेन कहा जाता है बच्चे इसको,
ये मेल पार्ट होता है, ठीक है ना। मेल पार्ट अब देखा आपने कि दो पार्ट्स का बना हुआ है, एक पार्ट ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, और इसको क्या कहा जाता है, ये आपका होता है एंथर, ठीक है बच्चे। तो ये एंथर होता है, ये जो हमको मिला यहाँ पे। अब इस एंथर के अंदर जो होते हैं वो छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पे आते हैं, क्वेश्चन का पूछा जाता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड, जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे कहते हैं टेपेटम, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भाई उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है अंदर पॉलन ग्रेन्स को, उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन जो हो रही है उनकी जो वॉल्स हो रही है, ठीक है, उनको भी बनाने के। पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके का पॉलन ग्रेन होता है बच्चे, डबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अंदर वाली लेयर को कहा जाता है इंटाइन और बाहर वाली जो लेयर होती है इसको कहा जाता है एक्साइन, ठीक है। तो इसको भी बनने में जो है वो हेल्प कर रही है, इनकी लेयर्स को बनने में, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सारे काम जो है किसके होते हैं, टेपेटम के होते हैं। अब एपिडर्मिस हम लोग देखें तो एपिडर्मिस क्या होता है, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा एपिथीलियल टिश्यू, जैसे प्लांट्स के एनिमल्स के अंदर एपिथीलियल टिश्यू हर एक पार्ट में अवेलेबल होता है, इसी तरीके से एपिडर्मिस जो होता है बच्चे प्लांट के हर पार्ट में जो है अवेलेबल होता है, और क्या होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, एंथर वॉल किस चीज की बनी हुई है, टेपेटम की बनी हुई है, ठीक है। ये सारा पार्ट जो है हम लोग टिश्यू में डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, कि हमारा जो यीस्ट है यानी कि सैक्रोमाइसिस हैज बीन रिप्रोड्यूस बाय, ये फिर से हमारा 10th क्लास का पोर्शन आ गया बच्चे, अगेन फ्रॉम रिप्रोडक्शन, बट दिस इज फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन इन विच व्हाट हैपेंड, इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट हैज इन्वॉल्व्ड, यानी कि एक ही पेरेंट से जो है वो फर्दर आगे रिएक्शन चलती है, ठीक है, यानी कि सॉरी जो आपकी प्रोजेनी है वो कंटिन्यू होती है सिर्फ एक पेरेंट से। तो यीस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके का कुछ यीस्ट होता है, ठीक है ना। लेट्स से कि दिस इज द डायग्राम ऑफ यीस्ट, इस तरीके से है। अब क्या होता है बच्चे ये, अच्छा हाँ पहले प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। तो यीस्ट किससे होता है, बडिंग के जरिए से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर एक बड निकल करके आ जाती है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्या होता है, ये अंदर जो मटीरियल है न्यूक्लियर मटीरियल है बच्चे, इसका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी उसी पर्टिकुलर डीएनए की बनी, और जो है क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इस जगह से जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो धीरे 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 करके ट्रांसफर हो जाता है। ये बड जो है ग्रो करती है, जब सारी चीजें इसके अंदर डेवलप हो जाती है अपनी, तो ये बड यहां से डिटैच हो जाती है और ये मदर ऑर्गेनिज्म अलग हो जाता है और ये जो है एक नया यीस्ट बन जाता है, अंडरस्टैंड। तो कभी कभार क्या होता है बच्चों, ये तो एक बना, कभी कभार क्या होता है इसी तरीके से एक बड ना निकल करके चेन ऑफ बड निकल जाती है, ठीक है। सो ये क्या होता है, इसमें एक एक नहीं कई ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, कई यीस्ट बन जाते हैं। सो ये क्या कहलाता है, बडिंग हो गया, ये क्या कहलाता है, मल्टीपल बडिंग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, फिजन, ठीक है। तो फिजन क्या होता है बच्चे, अगर हम लोग फिजन की बात करें, फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म से दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, ठीक है। तो ये अमीबा होता है, इसका जो है सबसे पहले जो है उसका जो बाहर का मटेरियल होता है इस तरीके से साइटोप्लाज्म, वो एक्सटेंड होने होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो इस तरीके से स्प्लिट होने की कोशिश करता है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कि ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, उसमें एक से जो है वो कई ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया में भी यही होता है, एक सेल था इस तरीके से, ये क्या हुआ, इसके अंदर डिवाइड डिविजन हुआ, फर्दर क्या हो जाता है, एक से जो है ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और यहाँ से ये सब रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजन होता है, दो तरीके के जो है फिजन हो गए, ठीक है ना, बाइनरी फिजन जिसमें एक से दो बन रहा है, मल्टीपल फिजन एक से जो है वो काफी ज्यादा बन रहा है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज स्पायरोगायरा, इसका जो डीएनए मटीरियल होता है वो इस तरीके से स्पायरली अरेंज्ड होता है, स्पायरोगायरा का, ठीक है।
अब यह क्या होता है, आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पे एज पे अटेन करने के बाद ये अपने आप फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और हर एक टूटा हुआ फ्रेगमेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है वो ग्रो कर जाता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट इज स्पोरिलेशन, यानी कि इसको क्या और भी कहा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें क्या है कि ब्रेड मोल्ड हमारा जो है होता है इस तरीके से, एक जैसे दिस इज द फंगल हाइफी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे 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 स्पोर प्रेजेंट होते हैं बच्चे। जब भी क्या होता है, इनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, सुटेबल एनवायरमेंट मिलता है, ये आपका बस्ट करता है और क्या होता है, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड है, अब ब्रेड को रख करके रख दिया आपने, ठीक है ना, इस तरीके से नॉर्मल इस तरीके से छोड़ दिया है, उसके ऊपर क्या, फ्रिज में नहीं रखा, उसके ऊपर क्या हुआ, सुबह तक आपने देखा कि भाई हरा है, लाल नीला पीला जो है वो कुछ ग्रो कर गया है, तो वो क्या कैसे इसी तरीके से जो है वो स्पोरेंजियम, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से या फिर स्पोरिलेशन के जरिए से जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाता है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस व्हिच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अब न्यूट्रिशन की बात हो रही है, सबसे पहली बात ये फिर से क्लास टेंथ का है आपका पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, यानी बच्चों आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में हमारा न्यूट्रिशन पार्ट है, जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है पार्ट वन, आपको वीडियो ये अभी भी मिल जाएगी यूट्यूब पे अवेलेबल है ये वीडियो, आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, पार्ट वन आप जाकर के देखिए लाइफ प्रोसेस पे, ठीक है, एडू एक्सेल के चैनल पे आपको ये सारी चीज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में कहा, क्या कहा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज हो रही है, यानी कि किसी के ऊपर ना डिपेंड होकर के, तो वो क्या कहलाती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन करते हैं बच्चे, ये प्लांट्स करते हैं, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला पार्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा, पार्ट वन में सारी चीजें मिलेंगी आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, कैसे, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे आप लोग, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो, हाइड्रोजन अब वाटर लेता है और ग्लूकोज बना लेता है, यही रिएक्शन पढ़ा था। ये रिएक्शन कैसे होता है, क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये रिएक्शन होता है हमारा। अब अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, ये लीव्स के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, वहां से ऑब्टेन किया, ठीक है ना, यानी कि बाहर के एनवायरमेंट से ऑब्टेन किया। दूसरी चीज हमारी क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, रूट्स ने एब्जॉर्ब करके पहुंचाया, दूसरा रॉ मटेरियल, दो रॉ मटेरियल हो गए। तीसरी चीज क्या है, लाइट, सनलाइट हमें एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर से सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। चौथी चीज क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, वही क्लोरोफिल ही जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोरोफिल। क्यों, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस व्हिच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कौन सी चीज नहीं ले जाती है, तो क्लोरोफिल बच्चे हमारी जो है वो बाहर से नहीं ली जाती है, वो ऑलरेडी हमारे पास प्लांट के पास प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस। अब नाइट्रोजन जो है वो किस चीज के सिंथेसिस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये फिर से हमारा क्लास टेंथ का चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, उससे है ये चैप्टर कि नाइट्रोजन जो है इनमें से किन चीजों के बनने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन जो होता है हमारा, ठीक है, ये किस चीज, एक तो सबसे पहली बात कि प्लांट्स को डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है, लेग्यूम्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, एक एसोसिएशन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज तो बच्चों ये
नाइट्रोजन की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है वो किस चीज के सिंथेसिस में, तो नाइट्रोजन जो है वो बनाता है आपका, बेसिक यूनिट होता है किसका, अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं किस चीज के सिंथेसिस में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन इसी वजह से जो है एसेंशियल एलिमेंट होता है किस चीज का, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन हमारा बनता है बॉडी में और फिर उसका फर्दर यूटिलाइजेशन होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी में, और तमाम चीजें, अलग अलग फंक्शंस होते हैं हर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। अच्छा आगे चलें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, कि ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। अब ये पाइरुवेट के बाद अगर आ रही है तो ये फिर से क्लास 10th का है, अगेन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, वीडियो आपको एडू एक्सेल के चैनल पे मिल जाएगी, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे, दो प्रोसेस होते हैं, वन इसको फर्स्ट क्या होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ, उसमें क्या हुआ आपका, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एनर्जी यानी कि निकाल देता है। अब क्या कह रहे हैं, ये पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है कहां पे, ऑक्सीजन के अंदर। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका सेल है बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म इस तरीके से मौजूद है, यहाँ पे आपका एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, दूसरा इसी के अंदर जो है वो पाइरुवेट पहुंचता है आपका, ठीक है, और इसके अंदर जो साइकिल चलती है दैट इज कॉल्ड एज, जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। इसमें क्या होता है, ये पाइरुवेट जो होता है बच्चे, ये पाइरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 मोल्स ऑफ एटीपी में चेंज हो जाता है। एटीपी इज व्हाट, इट इज द एनर्जी करेंसी। ये सारी चीजें डिटेल में आपको कहां मिलेंगी, ये आपको एडू एक्सेल चैनल पे बच्चे पार्ट 2, लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2 में आप देखिए, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लोएस्ट लेवल इन एनर्जी पायरामिड, ठीक है। ये हमारा जो है चैप्टर है आर इन्वायरमेंट, उसका पार्ट है क्लास 10th का, ठीक है। इसमें क्या है कि फूड चेन के बारे में बता रहे हैं, कि फूड चेन क्या होती है बच्चे, एक ऐसी चेन होती है, एक ऐसा सिस्टमैटिक वे होता है रिप्रेजेंट करने का किस चीज को, हु ईट्स हु, कौन किसको खा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे नीचे जो आते हैं हमेशा क्या आते हैं, ग्रास आएगा, या फिर आप कह लीजिए कि प्रोड्यूसर्स आएंगे। इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों, क्योंकि खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड को खुद बना रहे हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर ग्रास को कोई दूसरी चीज खाने वाली होगी, ठीक है, यानी कि मान लीजिए साहब आप कि डियर खा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर। इस डियर को क्या करा बच्चे, आपके लायन ने खा लिया या टाइगर ने खा लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि उनको कंज्यूम कर रहा है, अपने पिछले वाले लेवल पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। सो इस तरीके से हर एक लेवल को इसमें क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। अब बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी पायरामिड की। तो एनर्जी पायरामिड क्या होता है, यानी कि इस तरीके से है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर की अगर हम लोग बात करें, तो सन की एनर्जी को यूज करने के बाद प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसने एनर्जी यूज करी और क्या करा, कि लेट्स से कि 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी यहां पर स्टोर हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ईच लेवल इन दिस एनर्जी पायरामिड इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर आ गया बच्चे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है बच्चे, दैट फॉलोज 1% लॉ। दैट फॉलोज 10% लॉ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, 10% लॉ कहता है
कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, जब वो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, तो उसका सिर्फ 90% ही, सॉरी 90% जो है वो वही यूटिलाइज कर लेगा, और सिर्फ 10% ही जो है वो नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर होगी। तो 10,000 है अगर, और 10,000 का 10% जो है सिर्फ ट्रांसफर होना है, तो कितना हो जाएगा बच्चे? ओनली 100 किलो जूल जो है वो यहाँ पर आएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसी तरीके से जब इस तरीके से यहाँ की एनर्जी इस जगह ट्रांसफर हुई, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? सिर्फ 10 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये 10,000 अगर है ना, मैंने सॉरी 1,000 ले लिया था, तो ये 1,000 आ जाएगा। इट विल बी 100 एंड हेयर इट विल बी 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से जो है ये 10% लॉ फॉलो करता है। तो क्वेश्चन पे हम लोग देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लोएस्ट लेवल इन एनर्जी पायरामिड। ठीक है, तो लोएस्ट लेवल कौन ऑक्यूपाई करेगा? ऑटोट्रॉफ हमारे जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से जो है हमारा चलेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चे? कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चे? हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है, ठीक है, उसमें जो है वो लिविंग थिंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स भी होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल भी होते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं। वो क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम बनाता है। अंडरस्टैंड? अब जैसे बात करें, अगर यूनिवर्स क्या होता है भाई, पूरा जो है ब्रह्मांड की बात हो रही है, स्पेस वगैरह तमाम चीजें आ जा रही है, यूनिवर्स सराउंडिंग, हमारे आसपास की इलाका, इकोसिस्टम मैंने बता दिया। अब इकोटोन, अगर इकोसिस्टम की बात करें, जैसे एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, एक जगह है ये फॉरेस्ट है खाली, ठीक है ना, तो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। दूसरी जगह जो है वो क्या कहते हैं, ग्रासलैंड है, इस तरीके से ऊंची ऊंची जहां पे ग्रास होती, तो ये अलग इकोसिस्टम है। इन दो इकोसिस्टम के बीच की जो जगह होती है बच्चे, यानी कि क्या होगा, इस तरीके के भी कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे यहाँ पे, इनके भी कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इकोटोन। इसको बच्चे क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं कि ये भी आपको क्लास 10th का पोर्शन है, क्लास 10th में आर एनवायरमेंट में मिलेगा आपको, जिसकी वीडियो आपको जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड ड्वार्फ वेराइटीज इन F2 जनरेशन। ये फिर आपका क्लास 10th का पोर्शन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? मेंडल का हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि मेंडल ने क्या करा था, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है वो क्रॉस कराए थे किसको, टॉल और ड्वार्फ। टॉल को इन्होंने रिप्रेजेंट करा था DT से, और इसको करा था T से, ड्वार्फ को। ठीक है, तो ये क्या था, पेरेंट जनरेशन थे। इसके बाद क्या होता है बच्चे, कि बिफोर दैट इट इज गोइंग टू मेक गेमिट्स, तो ये क्या करते हैं बच्चे, गेमिट्स बनाते हैं। अब ये गैमीट जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये इसके साथ फ्यूज हुआ, ये दूसरा आया, ये इसके साथ फ्यूज हुआ, इट इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस एंड इट इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस। तो अब इसका और इसका क्या हो जाएगा, Capital T Small T, देन अगेन Capital T Small T, देन अगेन Capital T Small T, एंड एट लास्ट Capital T Small T। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये पहली जनरेशन मिलती है हमको, F1 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, F2 जनरेशन के बारे में पूछा गया है। इसमें क्या करा बच्चे, देखो, इस तरीके से सारे के सारे जो है वो फिनोटाइप जो है सबके सेम है, सारे के सारे टॉल होंगे। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होता है, F2 जनरेशन, यानी कि इन लोगों को लिया, यही पेरेंट, यानी कि F1 पेरेंट्स है अब हो गए, ठीक है। अब इनका फर्दर गैमेट फॉर्मेशन होगा, Capital T Small T, ठीक है, F1 गैमीट्स इसमें क्रॉस हुआ लाइक दिस। ओके, सो Capital T Capital T, अगेन Capital T Small T, देन Capital T Small T, एट लास्ट Small T Small T। So, क्या हो रहा है, ये भी, ये तीन तो टॉल दिखेंगे हमको, लेकिन एक जो है वो डॉर्फ दिखेगा। अगर एक भी डोमिनेंट जीन आ गया, सो इट इज गोइंग टू टेक द कैरेक्टर ऑफ द डोमिनेंट वन। सो 3 कैप
टॉल एंड वन स्मॉल, सो कौन सा रेशियो हम लोगों को मिल रहा है बच्चे, 3:1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये हमारा, हम लोगों ने इस तरीके से पूरा क्रॉस देखा। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, ये किस, अच्छा नहीं ये तो बता दिया, 10th का चैप्टर है। ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है, व्हिच वन इज कंसीडर्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट? माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात हो रही है बच्चे, ठीक है, ये भी जो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लास 10th का चैप्टर है, फूड रिसोर्सेज वाले पार्ट में मिलेगा। यानी कि वो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के अंदर एनिमल और एनिमल्स के अंदर भी, तो जो उनके ग्रोथ में जो है वो जरूरी होते हैं। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट, अदर वन इज कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो के नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्रो कौन से होंगे जो कि ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ रही है, माइक्रो कौन से होंगे जो कि कम अमाउंट में जरूरत पड़ रही है। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी बच्चे कि हाँ भाई माइक्रो कौन से हैं और मैक्रो कौन से हैं, किन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है कितनी कम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, मॉलिब्डेनम है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन क्लासिफिकेशन द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, ठीक है ना। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी 9th क्लास का है, ये 9th क्लास का पोर्शन है क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें जो है वो 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनेरा। तो ये विटिकर ने दी थी क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के पोर्शन में। तो प्रोटिस्टा क्या के बारे में पूछ रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें। तो किंगडम प्रोटिस्टा बेटे बनाई गई थी, क्यों अलग बनाई गई थी, क्योंकि किसी भी प्लांटे, एनिमल, फंजाई, किसी चीज में भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग आ रही थी, तो अलग ही किंगडम बना दी इनकी। तो इसमें मोस्टली कौन से आते हैं बच्चे, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स इसके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ मूव फॉरवर्ड, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a triploblastic animal? अब triploblastic ये भी same chapter से जो है, ये classification हम लोग उसी में देखेंगे, classification वाले chapter में। अब triploblastic की बात अगर हम लोग करें तो triploblastic animals पहले होते कौन से हैं? ये triploblastic animals वो animals होते हैं जिसकी जो embryonic development stage होती है, embryonic development जो stage होती है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें 3 layers होती हैं। कौन कौन सी? एक्टो, मीजो और एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं। तो क्या पूछ रहा है कि नॉट अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो इसमें कौन सा होता है बच्चे, प्लेनेरिया है, एस्केरिस है और फेशियोला है, ये सारे जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एक्सेप्ट यूप्लेक्टेला के। अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। लास्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोगों का क्या है, अगर हम लोग देखें तो स्पेसिफाई द वॉटर फर्न विच इज यूज एज अ ग्रीन मेन्योर। अगेन क्लास 10th, इंप्रूवमेंट फ्रॉम फूड रिसोर्सेज। तो ये ग्रीन मेन्योर की बात आ गई बच्चे। अब ग्रीन मेन्योर क्या होता है, ग्रीन मेन्योर जो होता है वो प्लांट में इस तरीके से फील्ड है आपकी, फील्ड में लगा दिया आपने, उसके बाद प्लोइंग कर दिया जाता है, थोड़ा सा ग्रो करेगा प्लोइंग कर दिया, तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और वो ग्रीन मेन्योर की तरह जो है वो काम करता है। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होता है बच्चे, अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग है, और इसमें से जो एजोला है, ठीक है ना, दैट हैज बीन यूज्ड एज द ग्रीन मेन्योर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अच्छा एजोला जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो है एसोसिएशन में होता है, सिम्बायटिक एसोसिएशन में होता है, ठीक है ना। ये सिम्बायटिक एसोसिएशन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हम लोगों पहले भी वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे।
सो दिस इज इट कि हम लोगों ने जो है बच्चों लास्ट ईयर के पेपर को डिस्कस किया, उसके सारी चीजें हम लोगों ने देखी, कौन से किस पोर्शन का है, कितना नाइन्थ से आ रहा है, कितना टेंथ से आ रहा है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब आप इनको साथ में मेरे किया होगा आपने, तो आपको एहसास हो रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि हाँ भाई कितना आपको तैयारी करनी है, कितनी नहीं करनी है, कौन कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन कौन सा वीक है। तो इन सारी चीजों को बच्चे, जो वीक है वो भी हम पढ़ेंगे, जो स्ट्रांग है वो भी पढ़ेंगे, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कवर कर ही रहे हैं, अंडरस्टैंड। ताकि हमारा ना ही बोर्ड्स खराब हो और ना ही हम जो है वो एंट्रेंस में कोई दिक्कत आए, ठीक है ना। तो बोर्ड्स की भी हम लोग तैयारी करेंगे, सारी चीजें बोर्ड्स के हिसाब से भी देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे, और इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। मैथ्स की क्लास में भी आप देखें, आपके पास आपको मैथ्स के पेपर सॉल्व करवाएंगे, केमिस्ट्री के टीचर जो है आपको केमिस्ट्री करवाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, इस तरीके से सब लोग जो है वो अपने अपने पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिया एमयू का पिछले साल का जो पेपर था वो कर लिया था, ठीक है ना बच्चों। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरीके से साथ में पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।